हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा छठवीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक को देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग बात कर चुके थे, तीन चैप्टर खत्म कर चुके हैं। पहले में देखा था हम लोगों ने विविधता की समझ, दूसरा चैप्टर था हमारा विविधता एवं भेदभाव, तीसरा चैप्टर था सरकार क्या है, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या है। याद रखिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कोई भी किताब हो, एक्स वाई जेड कोई भी किताब हो आपकी, एक बार नॉर्मल उसे पढ़ लिया करिए। कोई भी रटने की जरूरत नहीं है उसमें, एक बार नॉर्मल उसे पढ़ लें, जिससे आपको एक ज्ञान हो जाता है, आपको कुछ बातें कॉमन दिखने लगती हैं। यही हम अभी भी बोलेंगे कि इस लेक्चर को आप एक बार सुने आराम से, कोई ज्यादा दिमाग मत लगाइए, तो आपको इस आधे से ज्यादा कहानी याद हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से तत्व हैं इसमें, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व कौन कौन से। और जब दूसरी बार आप लोग देखोगे तो पूरा आपको क्लियर दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। और कक्षा 8वीं तक एनसीईआरटी ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखी है, सरल शब्दों में लिखी गई है, ठीक है। इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता, न्याय के विचार शामिल हैं। ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होता होगा? आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। माया नाम की कहानी पढ़ते हैं, ठीक है। माया के तो ये है आपका प्यारा भारत, ठीक, ये आपका दक्षिण अफ्रीका, ठीक, यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ एशिया है आपका, और यहाँ यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। रूस और कुछ तुर्की है, पांच देश ऐसे हैं कि जो यूरोप में भी आते हैं और आपके एशिया में भी आते हैं, ठीक। यहाँ आपका श्रीलंका है, ठीक। चलिए तो इस कहानी को देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत, गोरे, अश्वेत, काली, जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय। जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर स्केप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसने एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थीं। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों? तो माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका में पहले रंग भेद कानून से शासित था। रंग भेद का मतलब है त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थीं। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत भारतीय और अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो दूसरे के पास आसपास रह सकते थे और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपनी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग अलग होते थे। अस्पताल की गाड़ियां भी थी अलग अलग। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियां थी वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियां थीं उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। उनके लिए रेल बसें अलग होती थीं। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाजत नहीं थी। देश की सबसे अच्छी जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया जमीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोग
लोगों और भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वे अपनी मातृभाषा अपनी भाषा जूलू सीखना चाहते थे। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा, भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाने लगा है। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार के लोकतांत्रिक होने का हमारे लिए क्या मतलब है। भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? आपने पिछले पाठ में पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, जनता निर्णय लेती है चुनकर। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जनता। ये प्रतिनिधि लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। जैसे आप जनता विधायक को चुनती है, विधायक ही जनता का प्रतिनिधित्व करता है और सही गलत का वही फैसला करता है और वही आगे उनकी समस्याओं को बढ़ाता है। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरतों और मांगों को ध्यान में रखते हैं। सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की थी, 5 वर्ष की, पहले 6 वर्ष की थी कुछ टाइम तक, ठीक है, लेकिन अब 5 वर्ष की। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। भागीदारी के अन्य तरीकों की बात करें तो चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने की और भी कई कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उनकी आलोचना करें करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। संपादक नाम। पोस्टरों पर लगे लोग। दीवारों पर लगे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब करते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों एवं साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सड़क के नक्शों पर भी इन्हें चिपका दिया जाता है। सभी राजनीतिक दलों को चाहिए कि इस तरह के पोस्टरों पर रोक लगाने के लिए सहमति बनाएं। ये महेश कपासी दिल्ली के, ठीक है नील। कार्यवाही। यह चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट रही है। जंगल चोर उनका शिकार कर उन्हें मार रहे हैं। यह काम वे उनकी खाल पाने के लिए कर रहे हैं। सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरतापूर्ण पूर्वक नहीं लिया है। सरकार को इन पर जल्द ही जल्द कार्रवाई करना चाहिए। जंगल चोरों को गिरफ्तार करना चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए कानूनों को लागू करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 सालों में बाघों विलुप्त हो जाएंगे। ये सुहन पाल है, ठीक है। आगे हम लोग बात कर रहे थे अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ाया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया था। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों को की मांग माननी पड़ी सरकार को और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। ऐसे कई तरीके हैं जिसके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकारों को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं।
इनके जरिए जो बातें गलत हैं उन्हें न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। ठीक है, अखबार पत्रिकाएं टेलीविजन भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकारों की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां यह सच है कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी का मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें, जो सरकार उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दें। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अगर देश के सजग सजग है अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक रूप स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगली बार अगर हमें शहर या कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे, तो हम एक क्षण रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला गया है, उसमें भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। विवादों का समाधान, आपने माया की कहानी में पढ़ा है कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिसमें अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वह विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और यह समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। धार्मिक जुलूसों उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाते हैं। कई बार हिंसा भड़कने का खतरा रहता है। कभी कभी जुलूस के लोग उत्तेजित हो जाते हैं, कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार खासकर पुलिस ऐसे मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, हिंसा ना भड़के। वह सभी पक्षों को एक जगह बैठा के कर बात करवाती है ताकि विवाद का समाधान हो सके। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए है, सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। कुछ नदियां एक से अधिक राज्यों में उतर जाती हैं, जिन राज्यों से नहीं गुजरती हैं उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा विवाद का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध से भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई का काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरी होती हैं। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई भी होती है। ठीक है, पिछले 30 सालों से दो राज्यों के विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद कावेरी शांत भाव से बहती रही। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, कावेरी नदी पर कर्नाटक का कृष्णा राजा बांध कावेरी नदी की ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मैटूर बांध नदी के निचले छोर पर है। मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की जरूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है। इससे विवाद उत्पन्न होता है, तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है कि ताकि लोग दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए।
अब बात करते हैं समानता एवं न्याय। लोकतांत्रिक सरकार के कुछ विचारों में से एक है उसका न्याय और न्याय के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधाओं से वंचित रखा गया था। पहले हालत यह थी कि उन्हें सार्वजनिक मंदिर में घुसने तक नहीं दिया जाता था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके बारे में आपने पढ़ा, पहले पढ़ा है, और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा है कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन्हें समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज्यादा करते हैं। इसका मतलब है कि समाज में लड़कियों को उतना महत्व तो नहीं देता है जितना कि लड़कों को देता है। यह धारणा गलत है एवं अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए जैसे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान। ठीक है, अब आपकी अभ्यास प्रश्न है, इन्हें देख लेना। आज दक्षिण अफ्रीका में माया का जीवन कैसा होगा? दूसरा है, किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रिया में भाग लेते हैं? विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की क्या जरूरत होती, क्यों होती है? सभी लोगों के समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनाएं। उदाहरण के लिए, सभी लोग बराबर हैं। ठीक है, तो इस आपके 5 क्वेश्चंस हैं, इन्हें सॉल्व करके देख लेना, बन जाएंगे आपसे। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे, चलिए तो आगे हम लोग बात करेंगे, तीसरी यूनिट देखेंगे, तीसरी इकाई। इसमें बात करेंगे स्थानीय सरकार और प्रशासन। इसमें फर्स्ट पांचवा लेक्चर हम लोग देखेंगे पंचायती राज के बारे में। ठीक है,